बहराइच में एक बार फिर दबंगों का कहर देखने को मिला, जहां दबंगों की पिटाई से 7 महीने की गर्भवती महिला का गर्भपात हो गया। आरोप है कि पैसों के विवाद में दबंगों ने पूरे परिवार को जमकर पीटा। इतना ही नहीं, दबंग ने गर्भवती महिला को लकड़ी के लट्ठे से पेट पर वार किया, जिससे महिला के बच्चे की पेट में ही मौत हो गई। वही पीड़िता के पति का कहना है कि विवाद से पहले मोतीपुर थाने पहुंचकर शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और थाने से टरका दिया। थाने में गए सर, तो थाने में लड़की लगा, ये मतलब न लड़की को ले गए न इसकी माँ को ले गए, और हम थाने गए, दरखास्त लिखा है, फिर साहब के पास गए, साहब कहें कि लड़के को पूछें मामला कैसे हुआ, तो ऐसे ऐसे बताया जैसे हुआ है, फिर कहें कि तो मुसलमान के साथ लड़के को क्यों भेजा, और ये इतना 16-17 साल का ये क्यों भेजा सर, तो हम कहा सर जी मंजूर है, मंजूरी की है कई थे, चला गया है, 4 महीने हो गया सर, 60,000 रुपया बना, 15,000 में ले गया था, फिर हमको नहीं मिला। थाने में कोई कार्रवाई हुई? कर रही सर, वहाँ दरख्वास्त दिया, फिर साहब कहें कि लौंडे के क्यों भेजे है, फिर यही हुई हुआ सर, वो क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई? कर रही कोई सर नहीं, हमारे सामने कोई नहीं हुआ है, दरखास्तियाँ रखी रही है। वही थाने से निराश पीड़ित परिवार ने SP से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद SP के हस्तक्षेप पर पुलिस एक्टिव हुई। थाना मोतीपुर के ग्राम सुमई गौड़ी में बालक राम पुत्र पैरू के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उनके गांव का अजमेर अली पुत्र मुनव्वर उनके 3 पुत्रों को अपने साथ लेकर राजस्थान गया था और वहां मजदूरी करा रहा था तथा उनके मजदूरी के पैसे नहीं दे रहा था। इस बात को लेकर उलाहना देने के लिए ये लोग अजमेर अली के घर पर गए, जहां पर उन लोगों ने कथित रूप से इनके साथ मारपीट की और इनके साथ जो महिला थी उनके साथ भी मारपीट की गई। मारपीट में चोट लगने से महिला का गर्भ जो है वह गिर गया और इनको काफ़ी शारीरिक चोटें भी आई। इस संबंध में थाना मोतीपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 520/2020, धारा 323, 504, 316 एवं 325 SC/ST एक्ट पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में विवेचना प्रचलित है तथा पीड़ित पक्ष को वास्ते चिकित्सीय परीक्षण जिला अस्पताल के लिए रवाना किया गया। हालांकि SP के निर्देश के बाद पुलिस ने आनन फानन में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और नवजात के PM के लिए शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। पंजाब के SCTV के लिए बहराइच से मोहम्मद काशिफ की रिपोर्ट।